अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सठिया गए हैं आप। कुछ नहीं कुछ नहीं। हम एक नया कानून ला रहे हैं, हिंदुस्तान के हर गरीब युवा को, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एक साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। एक साल का एक लाख रुपया मिलेगा और फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है। आवर गवर्नमेंट विल लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 crore यूथ इन 5 years फॉर 12 months एंड इंटर्नशिप अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ। दोस्तों आजकल हम 30-40% इनकम टैक्स देने में ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसा समय हुआ करता था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% तक पहुंच गया था। ये बात है साल 1973 की इंदिरा गांधी सरकार के अंदर। पर्सनल इनकम टैक्स से 11 ब्रैकेट से 10% से लेकर 85% तक, और अगर आपकी साल भर की तनख्वाह 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा थी तो आप 85% की कैटेगरी में आते। इसके अलावा एक 15% का सरचार्ज था, तो 15% ऑफ 85% प्लस 85% हो गया इफेक्टिवली 97.75% टैक्स। यार इन एलविश आर्मी वालों से मेरा एक सवाल है, ये एलविश भाई करके क्या मिलता है यार तुम लोगों को? भाई बना के कोई फायदा नहीं होता, लोगों को बाप बनाया करो हमारी तरह। कभी ध्रुव राठी, कभी मुनावर फारूकी, हम इतने बेशरम भी हो सकते हैं कि एजाज खान और अदनान शेख को भी अपना बाप बना सकते हैं। जो एलविश के खिलाफ वो हमारा बाप। यार बाप बदलना भी एक टैलेंट है, सीखो हमसे कुछ। नॉनसेंस किताब है ये। ये तो सोढ़ी हाथी और भीड़े जैसों के लिए, मेरे लिए नहीं। सारी राजनीति रोड पर ही होती है। हॉस्पिटल में खून लेने से पहले कोई ये नहीं पूछता कि खून अब्दुल का है या आकाश का। मोहतरमा, हमने तो अब्दुल को आज तक खून डोनेट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अब्दुल को मासूम लोगों के गले रेत कर खून बहाते हुए बहुत बार देखा है। हाँ, चाहे खून आकाश का हो या प्रकाश का, सरकारी दवाखानों के बाहर अब्दुल को खून मांगते हुए बहुत बार देखा है। छबरन चमची, थोड़ा सा अपना IQ बढ़ा ले। नेम प्लेट पर खुद का नाम लिखने का है, तुम्हारे अब्बू का नहीं लिखने का है, जो तुम अपने अम्मी के पास जाके कंफर्म करना पड़े। फालतू में मत डरा करो सुवर के बच्चों। हमारे देश में कुछ कम भोसड़ी वाले लोग भी हैं जिनको सैलरी चाहिए समझो 24 वाली, लेकिन पेट्रोल, डीजल, आलू, तेल, प्याज 162 वाली रेट में। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केके के बाद वो कौन सी महिला है जो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है। जय श्री राम सनातनियों। अगर भारत में तनु रावत जैसे भक्त होंगे तो उनके सेकंड वर्जन भी तो निकल कर आएंगे। तो आप एक और नई भक्त से मिलिए जो कि तिलक लगाकर अश्लीलता को फैला रही है। मरते हैं क्यों? तो देखा आपने, ये लोग केवल तिलक को धारण करके हमारी सनातन संस्कृति का मजाक बनाने पे तुले हैं। और आज मैं आपसे वीडियो शेयर करने का भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आप लोग केवल अश्लीलता को ही बढ़ावा देते हैं। सच्चे सनातनी को सपोर्ट करना आपको आता ही नहीं है। जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट पर हमारा पूरा विश्वास। आज एक ही संस्था बची है जिसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, राजनीतिक बात करना उचित। लेकिन एक सेकेंड, न्यायालय के दीवार पर जो सत्यमेव जयते की जो एक तस्वीर लगी होती है ना, उतार दो। जिस प्रकार के निर्णय आजकल आ रहे हैं, वो निर्णय सत्यमेव जयते से मेल नहीं खाते। किसी एक का तो हो रहे, अब किसी एक का तो हो। पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए, संजय राउत कोई नेता नहीं है, और कोई भोकने वाला व्यक्ति रोज उल्टी सीधी बातें करे उससे फर्क क्या पड़ता है? और जिसको केवल भोकने के लिए छोड़ा हुआ है, मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ जी, तो आप कहेंगे कुत्ता कह दिया, उतना भी मैं उनका वो नहीं करूंगा।
आपको मार रही, बहुत मार, मतलब मार। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। राधा कौन है आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ राधा, जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ, मानने वालों को कैसे मान लेते हो? सही शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मांगूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। देखिए हमारे हमारे मैनिफेस्टो में MSP विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, MSP लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं, दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए, तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा? सम्मानजनक रोजगार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि 5,000 की नौकरी आपको मिलेगी, और तब आप कह रहे हैं जब सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई है 8वां वेतन आयोग आना चाहिए और उनकी वेतन और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। तो सोचिए आज की महंगाई में आप 5,000 की नौकरी देना चाहते हैं, और तब जब आप लगातार सरकार में कि क्या वाकई में बजट भाषण में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया जाता उन्हें कुछ नहीं मिलता? और क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान बजट भाषण में हर राज्य का नाम लिया जाता था? हमने यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री के भाषणों की कॉपी को चेक किया और यह देखा कि क्या तब के वित्त मंत्री सब राज्यों का नाम लेते थे क्या? जैसे साल 2004 का बजट तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था, और उस बजट भाषण में छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम का जिक्र नहीं हुआ था। तो क्या यूपीए की सरकार ने इन राज्यों के लिए कुछ नहीं किया? साल 2005 के बजट भाषण में छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम नहीं था। साल 2006 के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का नाम नहीं था। साल 2007 के बजट भाषण में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। साल 2008 के बजट भाषण में झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम नहीं था। साल 2009 के बजट में जो प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था उनके भाषण में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। साल 2010 में बजट भाषण में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का नाम नहीं था। इसी तरह हर बजट भाषण में कई राज्यों के नाम नहीं होते जिनका जिक्र भाषण में नहीं होता। तो क्या मान लें कि यूपीए ने अपने बजट भाषण में इन राज्यों का नाम नहीं लिया तो इन राज्यों को साइड कर दिया था, इनकी अनदेखी कर दी थी, इन राज्यों में कोई योजना नहीं लागू हुई थी यूपीए के जमाने में? कैसी बात कर रहे हैं बॉस ये लोग, इनको सब पता है कि क्या होता है नहीं होता है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज वित्त मंत्री ने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि बॉस अपने समय का बजट भाषण उठाओ और देख लो। आई एम इलैबोरेटिंग दैट द ओबीसीज हु नंबर ए ह्यूज परसेंटेज हैव 3% ऑफ द 90 सेक्रेटरीज ऑफ दिस कंट्री एंड कंट्रोल एंड डिफाइन 5% ऑफ इंडियाज बजट। दिस इज एन इंसल्ट एंड अ शेम टू द ओबीसी कम्युनिटी। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में SC, ST और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992, जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञान वर्धन। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, एक ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर
ये ट्यूटर स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको मैं अता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो। आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। पाक का प्यारा, चीन का दुलारा, 45 साल का कुवारा, बुद्धी से मारा, राफेल पे हारा, हाय दो कोड़ी के चमचम, ऐसा है प्रिय नेता तुम्हारा चमचम। ये सारे झोलमझाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, गाना सही समय पे लिखा।